Hello everyone, our next unit is unit 4. In unit 4 we are going to study about characteristics of ICs and something about FPGA. Dheere dheere karke ek ek questions hum dekhenge. Now the question number 1 for the module is explain the parameter used to characterize logic families. To jo bhi hum ICs use karte hain unki ek particular characteristics hoti hain, un characteristics ko ke andar hi hame apne ICs ko operate karna hota hai. तो देखते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी, फर्स्ट वन इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन. तो हम आईसी का जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले. तो प्रोपोगेशन डिले को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जब हम इनपुट देंगे उसी इंस्टेंट पे हमें आउटपुट मिलेगा, तो दैट टाइम इन विच द डेटा इज प्रोसेसिंग इनसाइड द आईसी इज आवर प्रोपोगेशन डिले. तो अगर मैं डेफिनेशन देखता हूँ, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आई सी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्रोपोगेशन डिले. इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द आउटपुट ऑफ अ गेट टू चेंज आफ्टर द इनपुट हैव चेंज. इसका वही मतलब हो गया. इसका मतलब क्या है हुआ कि हम जब इनपुट देंगे तो कितने टाइम बाद मेरा आउटपुट वेरी होगा या चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट. दैट इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आई सी. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पावर डिसिपेशन. Power dissipation is the measure of power consumed by the logic gate when fully driven by all its input. So, power dissipation, we know, power dissipation is, अगर किसी भी system की हम बात करें, not for ICs, किसी भी system की बात करें, तो जब हम उसमें power provide करेंगे, तो कितना power से मुझे कितना output मिल रहा है, that is the power used. लेकिन कुछ power होगी जो dissipate हो जाएगी, या मैं कह सकता हूँ, vanish हो जाएगी, that फैक्टर इज पावर डिसिपेशन. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो पावर डिसिपेशन इज द मेजर ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द लॉजिक गेट व्हेन फुली ड्रिवन बाय ऑल इट्स इनपुट. तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली वॉट्स और नैनो वॉट्स. नैनो वॉट्स में हम इनको मेजर करते हैं क्योंकि वो डिसिपेशन बहुत मिनिमम होता है. नेक्स्ट वन इज फैन इन. द फैन इन ऑफ अ गेट इज द नंबर ऑफ इनपुट कनेक्टेड टू द गेट विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन वोल्टेज लेवल. इसका क्या मतलब है कि हमने नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्ट किए हैं गेट में, नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्टेड टू द गेट विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन द वोल्टेज लेवल. मींस अगर हम नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्ट कर रहे हैं अपने आईसीज के अंदर और बिना डिग्रेड किए वो इनपुट्स, अगर मैं इनपुट्स बढ़ा भी रहा हूँ तो भी मेरा वोल्टेज लेवल एज इट इज़ है. दैट इज़ द फैन इन. फैन आउट. द फैन आउट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर लॉजिक गेट दैट गेट कैन ड्राइव विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन वोल्टेज लेवल. तो फैन इन और फैन आउट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है. यहाँ पर एक वर्ड ऐड हो गया है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर, कि कितने नंबर तक हम अपने गेट्स को बढ़ा सकते हैं, सिमिलर गेट्स को बढ़ा सकते हैं इन साइड द आई सी. तो उससे क्या हो कि मैं जो भी वोल्टेज लेवल है वो डिग्रेड ना हो. दैट इज द फैन आउट. द नेक्स्ट वन इज नॉइस इम्यूनिटी एंड नॉइस मार्जिन. वी नो नॉइस इन अ सिस्टम इज नथिंग बट अ अनवांटेड सिग्नल. जो भी अनवांटेड सिग्नल होंगे उन अनवांटेड सिग्नल्स को हमें रिमूव करना होगा. दैट इज द नॉइस. तो नॉइस क्या है, नॉइस इम्यूनिटी इज द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट मे अपियर एट द इनपुट ऑफ द लॉजिक गेट विदाउट चेंजिंग द लॉजिक स्टेट्स ऑफ इट आउटपुट. तो इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट मे बी अपियर एट द इनपुट ऑफ लॉजिक गेट. लॉजिक गेट के इनपुट पर हम जो भी देंगे क्या किस तरीके से विदाउट चेंजिंग द लॉजिक स्टेट ऑफ द आउटपुट. आउटपुट पर अगर कोई अफेक्ट ना हो, दैट इज द नॉइस इम्यूनिटी. और डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग इनपुट वोल्टेज एंड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज कॉल्ड द नॉइस मार्जिन. तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नॉइस इम्यूनिटी एंड नॉइस मार्जिन. तो नॉइस मार्जिन क्या बोल रहा है कि जो भी वोल्टेज लेवल है और जो भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उन दोनों के डिफरेंस का क्या है, दैट इज द नॉइस मार्जिन. जनरली थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मिनिमम वोल्टेज टू स्विच ऑन दी पर्टिकुलर गेट और पर्टिकुलर आईसी. थ्रेशोल्ड वोल्टेज मींस मिनिमम वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज जिससे मेरा कोई भी सर्किट ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाए. दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. द नेक्स्ट